मंगलहाट पुलिस स्टेशन एरिया के और गोशा महल डिवीजन के पूरा पुलिस स्टेशन्स के ये यूथ को बोथ गर्ल्स एंड बॉयज इनको जॉब्स सिक्योर करने के लिए पुलिस प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट किया है. इसमें लगभग 400 बॉयज एंड गर्ल्स इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट बैच आज स्टार्ट हुआ है. इसमें और 400 बॉयज एंड गर्ल्स का ट्रेनिंग हो जाता है और आने वाले दिन में हैदराबाद सिटी में लगभग 3000 पुलिस कांस्टेबल वैकेंसीज हैं और सब इंस्पेक्टर्स वैकेंसीज भी हैं. इसमें ये पूरा लोग कम्पीट करके ये इसमें ट्रेनिंग करने के बाद ये एग्ज़ाम लिख के इसमें सेलेक्शन होने का जो भी स्किल डेवलपमेंट चाहिए उसका ये इधर अरेंजमेंट कर रहे हैं. ये हमारे लिए ये खुशी की बात है कि ये दूलपेट एरिया ये रिफॉर्म करने के लिए ये प्रोग्राम जो टेकअप किया है ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है. इसका कारण ये DCP वेस्ट, ACP गोशा महल और इंस्पेक्टर मंगलहाट और उनकी टीम पूरा मेहनत करके सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लेके आके उनका पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके यूथ को इन्वॉल्व करके उनका पूरा एटीट्यूडनल चेंज एटीट्यूड बदला के ये हर आदमी ये प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पार्टिसिपेट होने के लिए ये बहुत एफर्ट किया है हमारे ऑफिसर्स. मैं सभी को अभिनंदन देता हूँ और आने वाले दिन में और ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे. अभी साउथ जोन एरिया में ओल्ड सिटी में भी लगभग 1000 लोगों का ट्रेनिंग चल रहे हैं. पूरा ये प्री पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए ये ट्रेनिंग चल रहा है. आने वाले दिन में और दूसरा पुलिस स्टेशन में भी ये स्किल डेवलपमेंट मिशन के बैनर पे ये पूरा ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे और यूथ को इन्वॉल्व करेंगे और सिटीजन फ्रेंडली पुलिसिंग का जो हमारे हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ये एक डायरेक्शन दिया है उसमें और भी आगे बढ़ने के लिए ये पीपल्स फ्रेंडली पुलिसिंग में पार्ट ऑफ इट ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे. और जो भी ये प्रोग्राम इधर हुआ है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. पूरा आदमी यूथ जो भी हैं इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं हाईली मोटिवेटेड हैं और फोकस्ड भी हैं. आने वाले दिन में जो भी एग्जामिनेशन होने का है उसमें कंपीट करके वो सिलेक्शन लेके आने के लिए सब लोग तैयार हैं. वो बहुत अच्छी बात है और पूरा कम्युनिटी के लिए भी ये एरियाज में फ़ायदा होगा. थैंक यू.